अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सपोजिटरीज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑन सपोजिटरीज। सपोजिटरीज होती क्या है? दीज आर स्पेशली शेप्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। हम सपोजिटरीज जो होती है ना, बेसिकली सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं और ये बॉडी कैविटी में प्लेस की जाती है अदर देन माउथ, माउथ के अलावा जितनी भी बॉडी कैविटीज हैं, और ये बॉडी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होती हैं, डिजॉल्व होती हैं और मेडिकमेंट रिलीज करती हैं। अब कुछ जगहों पे इनको सॉलिड डोजेज फॉर्म में कैटेगराइज किया गया और कुछ जगहों पे इनको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में कैटेगराइज किया गया। लेकिन होता ये कि बेसिकली ये सॉलिड डोजेज फॉर्म ही होते हैं, लेकिन जब इनको बॉडी टेम्परेचर मिलता है तो ये मेल्ट हो जाते हैं। दे मे बी यूज फॉर बोथ लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट के लिए भी इनको दिया जा सकता है और सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए, मतलब जब इनको प्रेस किया जाता है बॉडी कैविटी में, तो ये जो है ना ब्लड ब्लड स्ट्रीम में जो है ना पास आउट होके जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है अपने जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके मेडिकमेंट पहुँच सकती है और सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। दीज प्रोडक्ट्स आर सो फॉर्मुलेटेड दैट आफ्टर इंसर्जन दे विल आइदर मेल्ट और डिजॉल्व इन द कैविटी फ्लूइड्स टू रिलीज द मेडिकमेंट्स। इन प्रोडक्ट को इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बॉडी कैविटी में इंसर्जन के बाद बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे और मेडिकमेंट रिलीज करेंगे। टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज हैं। रेक्टल सपोजिटरीज, वजाइनल, यूरेथल, नेजल एंड ओरल। रेक्टल सपोजिटरीज जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, लेंथ 32 मिलीमीटर होती है, वेट 2 to 4 ग्राम फॉर एडल्ट एंड 1 ग्राम फॉर इन्फेंट्स। वजाइनल सपोजिटरीज दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेसरीज, दे आर ओवीफॉर्म और कोन शेप्ड, दे आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज और इनका वेट होता है 3 to 6 ग्राम और जनरली 5 ग्राम। यूरिथ्रल सपोजिटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिथ्रल बॉगीज, दे वे 2 to 4 ग्राम एंड हैव अ लेंथ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 6 to 7.5 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स, एंड दे आर पेंसिल शेप्ड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जनरली रेक्टल वजाइनल यूरिथ्रल सपोजिटरीज ही होती हैं, लेकिन वी आर नॉट कंस्ट्रिक्टेड टू दीज थ्री। हमारे इसके अलावा हमारे पास नेजल सपोजिटरीज और ओरल सपोजिटरीज भी होती हैं। नेजल दैट इज प्लेस्ड इन द नोज, ओरल सपोजिटरीज जो कि ईयर में प्लेस की जाती है। एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल हेमराइड्स। हेमराइड्स आर द स्वोलन वेन्स एट द लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम। इसके अलावा एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंटीफंगल के तौर पे भी। तो ये सारे इसके लोकल इफेक्ट होते हैं। सिस्टेमिक इफेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारी जो ड्रग होगी सपोजिटरीज के अंदर वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। मैकेनिकल इफेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज बाउल इवैक्यूएशन इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सपोजिटरीज आर कन्वीनियंट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दोज ड्रग विच इरीटेट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। सपोजिटरीज उन केसेस में भी प्रिफर की जाती है जब आपका ड्रग ऐसा हो जिनको ओरली अगर दिया जाए तो वो GIT ट्रैक को इरीटेट करते हैं और उन ड्रग की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेपेटिक सर्कुलेशन में वो डिस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप ओरली दे रहे हो सकते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से सारा ड्रग ही डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स से भी हम सपोजिटरीज बनाएंगे और आर डिस्ट्रॉयड इन द स्टमक बाय पीएच चेंजेस और एंजाइम एक्सेट्रा, या फिर स्टमक में ऐसी ड्रग्स जो हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पीएच की वजह से, लो पीएच की वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से, या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो सकती है। सो इन सारी ड्रग्स के लिए जो होती है ना सपोजिटरीज कन्वीनियंट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम अफोर्ड अ लार्ज एब्जॉर्प्शन सर्फेस एरिया फ्राम विच द सॉलिबल सब्सटेंसेज कैन एब्जॉर्ब एंड रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है वैन वी पुट द सपोजिटरीज देयर, तो क्या होता है इट हैज़ लार्ज सर्फेस एरिया, तो एब्जॉर्प्शन ईजिली हो सकती है, और जब एब्जॉर्प्शन ईजिली होगी लार्ज सर्फेस एरिया की वजह से देन इट कैन ईजिली रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसमें अमाइनोफाइलिन है विच इज़ यूज इन एस्थमेटिक एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इस ड्रग के लिए हम सपोजिटरीज बनाते हैं, मॉर्फिन के लिए बनाते हैं, एर्गोटामिन,
एगेंटामिन टार्टरेट के लिए एंडोमेथासिन और फिनाइल बुटाजोन, इन सारे ड्रग्स के लिए जो है ना सपोजिट्रीज अवेलेबल है मार्केट में। जिनमें वाइनोफाइलिन जो होते हैं वो एस्थमेटिक और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, मॉर्फिन पावरफुल एनर्जेसिक है, एगेंटामिन टार्टरेट जो होता है वो मिग्रेन में यूज होता है, एंडोमेथासिन और फिनाइल बुटाजोन और एनसेड ये एनर्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट बाय द रेक्टल रूट इज ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। अगर सिस्टेमिक ट्रीटमेंट हम रेक्टल रूट के थ्रू दे रहे हैं तो उसकी क्या पर्टिकुलर वैल्यू है कि ट्रीटिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस मेंटली डिस्टर्ब, ऐसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हैं, अपने होश में नहीं होते, मतलब बेहोशी की हालत में होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, ठीक है, और अनएबल टू टॉलरेट ओरल मेडिकेशन, और मतलब ओरली उनको नहीं दी जा सकती मेडिकेशन ऐसे पेशेंट में, या फिर वॉमिटिंग हो रही है पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या फिर एलिमेंट्री ट्रैक का कोई ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन है, तो इन सारे कंडीशन में अगर हम रेक्टल रूट के थ्रू सपोजिटरीज दें तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स सच एज अमाइनोफाइलिन दैट कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, अमाइनोफाइलिन को अगर हम सिस्टेमिक वे में दें रेक्टल सपोजिटरीज तो वो भी ज़्यादा प्रेफर्ड है, क्योंकि ओरली जो है ना ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है। इसके अलावा इन्फेंट्स में जो है ना सपोजिटरीज ज़्यादा प्रेफर की जाती है। नाउ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सपोजिटरीज, सबसे पहले आता है हमारे पास अपेयरेंस। हमारे पास किसी भी डोजेज फॉर्म का जब हम कोई भी क्यूसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, तो सबसे पहला जो जनरल होता है वो हमेशा हमारे पास फिजिकल अपेयरेंस ही होती है टेस्ट में। मतलब आपने फिजिकल अपेयरेंस से भी उसको जज करना है अपने डोजेज फॉर्म को कि वो सही तरह से मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इवन टैबलेट्स में आप फिजिकली देखोगे अगर चिपिंग हो रही है, मतलब दोनों टैबलेट जो है ना ब्रेक हो जाती है उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो उससे आप देख के भी बता सकते हो कि ये इसको फर्दर क्यूसी टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उसमें फिजिकल अपेयरेंस में ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई मसला आ रहा है। ठीक है, तो हर डोजेज फॉर्म में फिजिकल अपेयरेंस आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे सपोजिटरीज में फिजिकल अपेयरेंस में हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं वो आप अभी देखोगे। दिस इंक्लूड्स ऑर्डर, कलर, सरफेस कंडीशन एंड शेप। ठीक है, ये चार चीज़ें हम देखते हैं, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, सरफेस कंडीशन क्या है और उसकी शेप क्या है। ठीक है, शेप प्रॉपर है या नहीं है। व्हेन कट लॉन्गिट्यूडनली, अच्छा शेप पे ये है कि सपोजिटरीज होते हैं ना वो उनको कंप्रेस नहीं किया जाता, कंप्रेस टैबलेट्स नहीं होती। सपोजिटरीज के लिए मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स में सपोजिटरीज का लिक्विड जो है ना पेस किया जाता है और आफ्टर सम टाइम मोल्ड्स में से उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, मोल्ड्स मीन्स लाइक सांचे जो होते हैं, ठीक है, उसमें उनको प्लेस किया जाता है और फिर स्क्रैपिंग की जाती है ऊपर से कि एक्सेस लिक्विड जो है ना वो हट जाए, फिर उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें से जो है ना निकाल लिए जाते हैं मोल्ड्स सपोजिटरीज। When cut longitudinally, examined with naked eye, the internal surface are uniform in appearance and bloom-free. Checked for fissuring, pitting, fat blooming, exudation and sedimentation. अच्छा, अब हमने क्या करना है, फिजिकल या अपीयरेंस, पहले हमने ऑर्डर, कलर, सरफेस कंडीशन वगैरह देख ली, शेप वगैरह, उसके बाद आपने उसको कट करना है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, जब आप उसको कट करोगे तो आप नेकेड आई से ये चार पांच चीज़ें देखोगे कि उसमें फिशरिंग, पिटिंग, फैट ब्लूमिंग, एक्सुडेशन और सेडिमेंटेशन तो नहीं हो रही। अब ये चीज़ें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम फिशरिंग, फिशरिंग क्या होता है कि हमारी सपोजिटरीज के ऊपर जो है ना क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि वो चीज़ें ना हो, फिशरिंग ना हो उसके ऊपर। पिटिंग क्या होता है कि सपोजिटरीज में डिप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन मतलब कहीं पे अंदर की तरफ चला जाता है, उसमें ग्रूव्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उन ग्रूव्स और उस डिप्रेशन को पिटिंग कहते हैं। फैट ब्लूमिंग क्या है, बेसिकली होता क्या है कि हमारी सपोजिटरीज जो होती है ना फैट बेस से बनी हुई होती हैं, तो जो फैट होते हैं ना वो वाइट पाउडर के फॉर्म में जो है ना सपोजिटरीज के ऊपर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह वाइट पाउडर सपोजिटरीज की सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर फैट ब्लूमिंग हो रही है, तो इस चीज़ से प्रिवेंट करना है। इसके अलावा हमारे पास एक्सुडेशन हो सकती है, एक्सुडेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्टेंट है सपोजिटरीज का वो जो है ना बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ओजेस आउट, ठीक है, तो उस एक्सुडेशन से भी हमने प्रिवेंट करना है। और लास्ट है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिक्विड्स में भी बता चुकी हूँ कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं एट द बॉटम। ठीक है, तो फिशरिंग, पिटिंग, फैट ब्लूमिंग, एक्सुडेशन एंड सेडिमेंटेशन, इन सारी चीज़ों से हमने अपनी सपोजिटरीज को प्रिवेंट करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना है बाय फिजिकल अपीयरेंस।
अ चेंज इन द ऑर्डर में ऑल्सो बी द इंडिकेटिव ऑफ अ डिग्रेडेशन प्रोसेस. अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इससे भी ये चीज इंडिकेट हो रही है कि जो है ना हमारी सपोजिटरीज में कोई ना कोई डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेट यूनिफॉर्मिटी या फिर वेट वेरिएशन टेस्ट भी इसको कह सकते हैं. इफ द वेट इज फाउंड टू बी टू स्मॉल इट इज एडवाइजेबल टू चेक वेदर द मोल्ड इज बीइंग वेल फिल्ड एंड वेदर दे आर एक्सियल कैविटीज और एयर बबल्स. अच्छा, वेट वेरिएशन टेस्ट एक तो हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे मोल्स का हमारे सपोजिटरीज का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, और अगर बहुत कम वेट है तो उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं. ठीक है, जो पहली बात यहाँ पे की गई है वो ये है कि अगर हमारा सपोजिटरीज का वेट बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो उसमें ये कि आपने एक चीज़ चेक करनी है कि हाँ आपने जब मोल्ड की फिलिंग की है वो फिलिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मोल्ड की फिलिंग के दौरान एयर बबल्स आ गए हैं, ठीक है, कोई ना कोई कैविटीज आ गई हैं, एक्सियल कैविटीज, जिसकी वजह से मोल्ड्स की फिलिंग प्रॉपर नहीं हुई. ठीक है, अक्सर आप अगर देखिए आप किसी थिक लिक्विड को किसी चीज़ में फिल करें तो जो उसकी ऊपर वाली कैविटी होती है ना वहाँ पे ना एयर बबल एक ना एक एयर बबल बन जाता है, तो उस कैविटी से वहाँ पे एयर बबल्स को आपने रिमूव करना है ताकि मोल्ड की कंप्लीट फिलिंग हो, अदरवाइज जो होता है उसके उसके अंदर वेट वेरिएशन आ सकती है. सेकेंड पॉइंट है, इफ द वेट इज फाउंड टू बी टू हाई चेक दैट स्क्रैपिंग हैज बीन कैरिड आउट करेक्टली एंड ऑल्सो दैट द मिक्सचर इज होमोजीनियस. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा आ गया है तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपका मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए, कंप्लीट मिक्सिंग होनी चाहिए उसके अंदर. उसके बाद जब आप उसमें मोल्ड के अंदर अपना सैंपल डालते हो तो उसकी ना आपने ऊपर से स्क्रैपिंग करनी होती है. स्क्रैपिंग का मतलब ये है, जैसे मे बी आप लोगों ने देखा हो कि अक्सर जब दीवारों पे सीमेंट वगैरह लगाया जाता है तो पहले बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, उसके बाद इसकी स्क्रैपिंग की जाती है. ठीक है, उसको एक ही जो है ना वैल्यू में, एक ही उसमें डायमेंशन में किया जाता है, कहीं ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए. तो स्क्रैपिंग से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट जो होती है ना किसी भी सैंपल की वो रिमूव हो जाती है. लास्टली द वे मे डिक्रीज ड्यूरिंग एजिंग व्हेन द सपोजिटरीज कंटेन वोलेटाइल सब्सटेंस स्पेशली इफ द पैकेजिंग इज नॉट एयर टाइट. अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि वेट जो आपका कम हो रहा है ना उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि सपोजिटरीज के अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं और आपकी पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई हुई, एयर टाइट नहीं है. जब एयर टाइट पैकेजिंग नहीं होगी तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट होके जो है ना एवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सपोजिटरीज का वेट है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे कि वेट वेरिएशन क्यों आ रही है और उसको वेरिएशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते. प्रोसीजर क्या है कि आपने वेट 20 सपोजिटरीज इंडिविजुअली, आपने ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर जिस तरह आपने टैबलेट्स में किया था, आपने 20 सपोजिटरीज लेनी है यहाँ पे और इंडिविजुअली उनका वेट फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपने उसका एवरेज वेट लेना है और फिर आपने इंडिविजुअल सपोजिटरीज को एवरेज वेट से कंपेयर करना है. ठीक है, और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेट माइनस इंडिविजुअल वेट डिवाइडेड बाय एवरेज वेट मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, इस तरह आप परसेंट एरर फाइंड आउट कर लोगे. अब हमारी लिमिट ये है कि जितनी भी सपोजिटरीज हैं, जो 20 सपोजिटरीज हमने ली हैं, सारी की सारी प्लस माइनस 5% की रेंज में आनी चाहिए. ठीक है, अगर दो एक या दो सपोजिटरीज इस रेंज में नहीं आ रही तो वो प्लस माइनस 10% की रेंज में आनी चाहिए. ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा सपोजिटरीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 5% की रेंज को फॉलो ना करें. ठीक है, नॉट मोर देन टू सपोजिटरीज डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 5%. ठीक है, नो सपोजिटरीज डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन 10%. ठीक है, सारी की पहली लिमिट ये है कि सारी जो है ना सपोजिटरीज 5% की रेंज में आनी चाहिए. अगर एक या दो ऐसी सपोजिटरीज हैं जो इस रेंज में नहीं आ रही तो फिर हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो 10% की रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि सारी सपोजिटरीज 10% की रेंज में ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, ये हमारे पास मोल्ड्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब शेप्स में होते हैं हमारे पास मोल्ड्स, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कुछ वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, कुछ रेक्टल होती हैं, और सबकी शेप डिफरेंट होती है. इसी तरह मोल्ड्स की भी आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगी. इसके अंदर जो है ना लिक्विड को फिल किया जाता है जिसका आपने मोल्ड बनाना है.
जब हॉट टेम्परेचर पे इसको फिल किया जाएगा वो लिक्विड होगा, जब उसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे आएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर इसको आपने खोलना है इन मोल्ड्स को, इस तरह से ये खुल जाएगा और यहाँ से जो है ना आपने अपने सपोजिटरीज को रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो इसमें ज़्यादा भी फिलिंग हो सकती है, तो जब ज़्यादा फिलिंग होगी तो आपने इन सबको जो है ना स्क्रैपिंग करनी ही है, हर केस में आपने स्क्रैपिंग ज़रूर करनी है कि कहीं ज़्यादा एक्सेस फिलिंग ना हो जाए, इक्वल फिलिंग होनी चाहिए सारे मोड्स में। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के हमारे पास दो मेथड्स हैं, फॉर फैट सॉल्युबल हाइड्रोडिस्पर्सिबल एंड फैट बेस्ड सपोजिटरी, सॉरी फॉर वाटर सॉल्युबल। अच्छा, जो मेथड वन है वो वाटर सॉल्युबल और फैट बेस्ड सपोजिटरी दोनों के लिए, जो मेथड टू है वो सिर्फ फैट बेस्ड सपोजिटरीज के लिए है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ 60 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 52 मिलीमीटर डायमीटर सिलेंडर ऑफ अ ग्लास और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अच्छा, हमारे पास जो है ना एक सिलिंड्रिकल ग्लास होता है। ठीक है, ये जो आउटर शेडेड है ना डॉटेड में, ये आपके पास मेन सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ से आप देख लो, ये जो सिलेंडर है ना इसका डायमीटर 52 मिलीमीटर है और इसकी लेंथ 60 मिलीमीटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होगा। अब होता क्या है कि हमारे पास इस सिलेंडर के अलावा एक मेटल डिवाइस होता है। मेटल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू परफोरेटेड स्टेनलेस स्टील डिस्क हेल्ड अबाउट 30 मिलीमीटर अपार्ट। हमारे पास एक मेटल डिवाइस है। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि ये जो डार्क ब्लैक कलर में, ठीक है, ये आपके पास एक मेटल डिवाइस है जिसमें दो डिस्क लगी हुई है, एक ये डिस्क लगी हुई है और दूसरी ये नीचे वाली डिस्क लगी हुई है। ठीक है, आपने इस मेटल डिवाइस को इस ग्लास सिलेंडर के साथ जो है ना के अंदर प्लेस कर देना, जब इस सिलेंडर के अंदर डालेंगे तो ये इसकी रिम के साथ फिट हो जाएगा, जब इसकी रिम मतलब इसके कॉर्नर्स के साथ फिट हो जाएगा तो ये पूरा एक जो है ना आपके पास असेंबली बना लेगा, जिसमें क्या है आपके पास आउटर कवरिंग में आपके पास ग्लास सिलेंडर है, ग्लास सिलेंडर के अंदर आपने मेटल डिवाइस डाल दिया। मेटल डिवाइस में आपके पास दो पोर्शन है, एक डिस्क वन है और एक डिस्क टू है। ठीक है, अब आप इसमें इस नीचे वाले डायग्राम में देखें, आपके पास जो डिस्क वन, किसी भी एक डिस्क को अगर आप कंसिडर करें तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं डिस्क के अंदर। ठीक है, पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो मेटल डिवाइस है ना ये 3 मेटल बोर्ड्स के साथ जो है ना इस सिलेंडर के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, 3 स्प्रिंग क्लिप्स होती हैं, इन क्लिप्स के थ्रू ये सिलेंडर के साथ अटैच हुए होते हैं। और इस डिस्क के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 39 होल्स होते हैं। These discs each have 39 holes, 4 millimeter in diameter, which are evenly spaced in a concentric pattern. इसका मतलब ये है कि इस डिस्क के अंदर 39 होल्स हैं और इनकी ओपनिंग 4 millimeter है और हर एक जो है ना इसका पोर का जो है ना आपस में इक्वल डिस्टेंस है दूसरे पोर्स के साथ। ठीक है, हर एक ओपनिंग का जो सेंटर है ना ये दूसरे ओपनिंग के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको इनको कोसेंट्रिक कहा गया है। ठीक है, बीच वाला है इसको फर्स्ट वाली लाइन में देखें तो ये सारे वाले डिस्क के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर इसी को सेकंड लाइन वाले डिस्क ओपनिंग से साथ देखें तो ये इक्वल डिस्टेंस पे, फिर लास्ट लाइन में जितनी भी ओपनिंग्स हैं इसको मिडल वाली पोर से कंपेयर करें तो ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ठीक है, वंस इंसर्टेड इनटू द सिलेंडर द मेटल डिवाइस इज अटैच टू द रिम ऑफ द सिलेंडर बाय मीन्स ऑफ 3 स्प्रिंग क्लिप्स। आपने जब मेटल डिवाइस को सिलेंडर के अंदर प्लेस किया है तो आपने उसको अटैच करवाया है सिलेंडर की रिम से बाय मीन्स ऑफ 3 स्प्रिंग क्लिप्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, ये 3 स्प्रिंग क्लिप्स हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3, ये 3 स्प्रिंग क्लिप्स जो है ना इस मेटल डिवाइस को इस ग्लास सिलेंडर के साथ अटैच करवाएंगे। ऑपरेटर्स इज प्लेस्ड इन अ बीकर विथ अ मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 4 लीटर फिल्ड विथ अ वाटर अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब। अच्छा, अब ये जो आपका पूरा ऑपरेटर्स बन गया है ना जिसमें मेटल डिवाइस भी है, ग्लास सिलेंडर भी है, इस पूरे ऑपरेटर्स को, इस पूरी असेंबली को आपने फर्दर एक और बीकर के अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, और वो बीकर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर 4 लीटर वाटर आ सके। ठीक है, इतनी उसकी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए, इससे बड़ा भी हो सकता है। विथ द वाटर अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब, और इस बीकर के अंदर आपने यूजली वाटर ही डालना है, लेकिन अगर फार्माकोपिया में कोई प्रिस्क्राइब हुआ है कोई और सॉल्वेंट तो आप वो भी डाल सकते हैं। द बीकर इज फिटेड विद अ स्लो स्टिरर एंड सपोर्ट दैट होल्ड्स द ऑपरेटर्स वर्टिकली। बीकर में एक स्टिरर फिक्स हुआ होता है, स्टिरर से क्या होगा कि आपके बीकर में जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली शेकिंग कंडीशन में होगा और मिक्स होता रहेगा होमोजीनियसली,
और जो ऑपरेटर्स आपने इसके अंदर बीकर के अंदर प्लेस करना है, आपने उसको इस तरह से प्लेस करना है कि वो वर्टिकली प्लेस हो और 90 मिलीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी इन्वर्टेड विदाउट इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर। अच्छा, ये जो आपका ऑपरेटर है, इसको जब आप बीकर के अंदर डालोगे तो ये बीकर के अंदर 90 मिलीमीटर नीचे तक होना चाहिए वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इंस्ट्रूमेंट को रन करवाओगे ना, तो रनिंग में आप ये देखोगे कि हम ये वाली जो असेंबली है ना, इसको इन्वर्ट करवा रहे होते हैं हर 30 मिनट्स बाद। जब आप इसको इन्वर्ट करोगे, ठीक है, अपसाइड डाउन पोजीशन में रखोगे, तो हर एक इन्वर्जन में जो है ना, आपका ऑपरेटर वाटर के नीचे ही होना चाहिए, वाटर से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, वाटर के अंदर ही रहना चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है इसका? अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, यूज वाटर मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 36 to 37 डिग्री सेल्सियस एज द इमर्जन फ्लूइड। अगर आपके पास प्रिस्क्राइब हुआ हुआ है कि आपने कोई और सॉल्वेंट लेना है किसी भी स्पेशल ड्रग के लिए, तो आपने वो लेना है, लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने वाटर ही लेना है एट द टेम्परेचर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये जिस वाटर की बात हो रही है ना, ये उस वाटर की बात नहीं हो रही जो हमने बीकर के अंदर लिया है। अब हम इस वाले ग्लास सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा ग्लास सिलेंडर है ना, इसके अंदर आपने इमर्जन फ्लूड वाटर लेना है, उसका टेम्परेचर 36 से 37 होना चाहिए। द टेस्ट रिक्वायर्स 3 सपोजिटरीज एंड द प्रोसीजर इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द सपोजिटरी। अब सैंपल क्या है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए? फॉर मेथड वन हमने सैंपल 3 सपोजिटरीज लेनी है, ठीक है। प्लेस द सैंपल ऑन द लोअर डिस्क ऑफ द मेटल डिवाइस एंड देन इंसर्ट इट इन टू द सिलेंडर। आपने वन बाय वन तीनों सपोजिटरीज पे ये टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। तीनों सपोजिटरीज को एक साथ नहीं रखना है, हर सपोजिटरीज को आपने अलग अलग करके टेस्ट करना है। सबसे पहले आपने एक सपोजिटरी लेनी है और आपने जो लोअर डिस्क है ना, इसके ऊपर यहाँ पे एक सपोजिटरी प्लेस कर देनी है, ठीक है। जब आपने लोअर डिस्क पे सपोजिटरी प्लेस की है, आप इस पूरी असेंबली को जो है ना, मेटल डिवाइस को ग्लास सिलेंडर में डालोगे और फिर ग्लास सिलेंडर को आप फर्दर बीकर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। प्लेस द सैंपल ऑन द लोअर डिस्क ऑफ द मेटल डिवाइस एंड देन इंसर्ट इट इनटू द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में डाल दिया, प्लेस द ऑपरेटर्स इनटू द बीकर, फिर इस सिलेंडर को आपने बीकर के अंदर डालना है एंड इन्वर्ट इट एवरी 10 मिनट्स। अच्छा, इन्वर्ट जो करना है ना, वो आपने 30 मिनट्स बाद नहीं करना, वो आपने 10 मिनट्स के बाद करना है। 30 मिनट्स जो है ना, उसकी रेंज है फॉर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉर फैट बर्स्ट। अब होता क्या है, जब आप उसको प्लेस करोगे इसके अंदर बीकर के अंदर, तो आपने हर 10 मिनट बाद अपने जो ऑपरेटर्स है, जो उसमें आपका सिलेंडर और मेटल डिवाइस आ जाता है, आपने उसको इन्वर्ट करवाना है, ठीक है। जब आप उसको इन्वर्ट करवाओगे ना, तो उससे ये होगा कि आपकी जो सपोजिटरी है ना, उसके अंदर मूवमेंट शो होगी, और अगर उसमें जो डिजॉल्व होने के बाद, मेल्ट होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोई कंसनट्रेटेड सपोजिटरी के अराउंड कंसनट्रेटेड उसका अमाउंट प्रेजेंट है, तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी बाकी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा सॉल्वेंट उसको। उसके बाद क्या करना है, आपने रिपीट द ऑपरेशन विद द रिमेनिंग 2 सपोजिटरी। आपने पहले एक सपोजिटरी के साथ इस तरह की है, हर 10 मिनट बाद उसको इन्वर्ट करना है, और तब तक करना है जब तक वो डिजॉल्व डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाती। जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, आपने उसको रिमूव करना है, अपना जो लिक्विड है उसको दोबारा से रिप्लेस करना है फ्रेश लिक्विड के साथ। उसके बाद आपने दूसरी सपोजिटरी उसी मेथड से, उसी तरह से उसको परफॉर्म करना है और उसका भी टाइम नोट करना है। फिर उसके बाद तीसरी सपोजिटरी डालनी है, उसका भी टाइम नोट करना है। रिकॉर्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सपोजिटरीज। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में हमेशा हम डीटी नोट करते हैं, डीटी इज डिसइंटीग्रेशन टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपने टाइम नोट कर लिया, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया फैट बेस्ड जो सपोजिटरीज होती है ना, वो 30 मिनट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट करनी चाहिए, और जो वाटर बेस्ड सपोजिटरीज हैं वो 60 मिनट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट करनी चाहिए। लेकिन यूएसपी के मुताबिक हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, इसलिए उन यूएसपी की कोई भी लिमिट्स नहीं है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मेथड 2 फॉर डिसइंटीग्रेशन, अल्टरनेटिव फॉर फैट बेस सपोजिटरी। ये मेथड सिर्फ फैट बेस के लिए होते हैं और अल्टरनेट मेथड है। अगर मेथड वन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप ये वाला मेथड कर सकते हो। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट बॉटम ग्लास ट्यूब अबाउट 140 मिलीमीटर लॉन्ग विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 15.5 मिलीमीटर एंड अ 2-पार्ट रॉड। इसमें क्या होता है हमारे पास कि आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखें, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम देखें। हमारे पास एक जो है ना ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। ग्लास ट्यूब का फ्लैट बॉटम होता है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब की लेंथ है 140 मिलीमीटर,
ठीक है, इंटरनल डायमीटर इसका 15.5 मिलीमीटर है। इसके अलावा हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में एक और चीज़ है, हमारे पास है रॉड जिसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, टू पार्ट रॉड है, ठीक है, एक ये पार्ट है, नीचे लोअर पार्ट है, और इसका एक अपर पार्ट है। और ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है ना, इसको आपने इसके ऊपर हमारे पास एक रिमूवेबल प्लास्टिक कवर होता है, ठीक है, ये आपका एक प्लास्टिक कवर है जो कि रिमूवेबल है, दैट हैज एन ओपनिंग ऑफ 5.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। और इसकी जो ओपनिंग होती है ना इस कवर की, वो होती है 5.2 मिलीमीटर। और जो है ना द रॉड हैज़ अ टू पार्ट। और अब हम रॉड को देखें तो रॉड के जो दो पार्ट्स है ना, बोथ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, या तो ये दोनों प्लास्टिक के बने हुए होंगे, या फिर लोअर पार्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड द अपर ऑफ मेटल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मेटल रॉड है ना, या तो ये दोनों इसके जो पार्ट वन और पार्ट टू है ये दोनों प्लास्टिक के बने होंगे, या फिर ऐसा होगा कि जो लोअर पार्ट है ना वो प्लास्टिक का बना होगा और ऊपर वाला जो है ना ये वाला मेटल पार्ट मेटल्स का बना हुआ होगा। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट की, कि आपने इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करना है। द रॉड इज 5 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड वाइडेंस एट द लोअर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ 12 मिलीमीटर। जो हम आपकी रॉड है ना, रॉड का जो डायमीटर है वो है 5 मिलीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है इसका, रॉड का जनरल डायमीटर 5 मिलीमीटर है, लेकिन रॉड को जब नीचे से देखा जाए तो नीचे वाले पार्ट में वो वाइडन अप हो जाती है, ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट है इसका डायमीटर 12 मिलीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेंशन भी है 12 मिलीमीटर। इसके अलावा हमारा जो नीचे वाला पार्ट है ना, बॉटम पार्ट इसका रॉड का, इसमें एक नीडल लगी हुई होती है, ठीक है, आप गौर से देखें तो यहाँ पे ब्लैक कलर की ना बॉटम के नीचे एक नीडल लगी हुई है। इस नीडल का जो डायमीटर होता है ना वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, ये इस नीडल का डायमीटर है, और इसकी लेंथ होती है 2 मिलीमीटर, जहाँ पे मेंशन भी है 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक ग्लास रॉड है, हमारे पास एक उसके अलावा ट्यूब है, ट्यूब के दो पार्ट्स हैं, या तो दोनों प्लास्टिक के होंगे, या फिर ऊपर वाला नीचे वाला प्लास्टिक का होगा, ऊपर वाला मेटल का होगा। इस ट्यूब के नीचे हमारे पास एक जो है ना नीडल लगी हुई है, ये नीडल जो होती है इसका इसकी लेंथ 2 मिलीमीटर है और इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है। द अपर पार्ट ऑफ द रॉड हैज एन एडजस्टेबल स्लाइडिंग रिंग एंड अ वेट डिस्क इज अटैच टू द टॉप। इसके अपर पार्ट पे क्या होता है, हमारे पास एक स्लाइडिंग रिंग है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की है ना ये एडजस्टेबल स्लाइडिंग रिंग है। इस रिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टेबल है तो ये नीचे भी मूव कर सकती है। इसके ऊपर हमारे पास एक विंग डिस्क होती है, ठीक है। द वेट ऑफ द इंटायर रॉड शुड बी 30 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम। इस पूरे रॉड का वेट 30 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम तक जो है ना वेरिएशन अलाउड है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पूरी असेंबली, ठीक है, ये दोनों पार्ट आपने देख लिए। अब ये जो थर्ड डायग्राम है वो मैं आप लोगों को इसके प्रोसीजर के साथ समझाऊंगी। अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, यूज वाटर मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 36 to 37 डिग्री सेल्सियस एज द इमर्जन फ्लूइड। आपने जो है ना वाटर को, अगर स्पेसिफाइड है इंडिविजुअल मोनोग्राफ में तो आपने वो सॉल्वेंट लेना है, अदरवाइज आपने वाटर को यूज़ करना है एज एन इमर्जन फ्लूड, टेम्परेचर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। द टेस्ट रिक्वायर्स 3 सपोजिटरीज एंड द प्रोसीजर इज अप्लाइड टू ईच ऑफ द सपोजिटरीज। इस वाले मेथड में भी हमारे पास सैंपल कितना है, 3 सपोजिटरीज का, आपने एक एक सपोजिटरी पे वन बाय वन टेस्ट परफॉर्म करना है। जो आपने वाटर लिया ना इमर्जन फ्लूड वो आपने इसमें प्लेस कर देना, ठीक है, जो आपकी ग्लास है ना, ग्लास जार है, ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर आपने जो है ना अपना वाटर प्लेस कर देना। प्लेस द ग्लास ट्यूब कंटेनिंग 10 ml ऑफ वाटर इन टू द वाटर बाथ। अब ये जो आपकी पूरी ग्लास ट्यूब है ना, इसको आपने फर्दर वाटर बाथ के अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है, वाटर बाथ में आपने इसको प्लेस करना है और इस ट्यूब के अंदर आपने 10 ml वाटर डाल देना है, ठीक है। फिक्स द ग्लास ट्यूब वर्टिकली एंड इमर्स टू अ डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 7 cm बिलो द सर्फेस बट विदाउट टचिंग द बॉटम ऑफ द वाटर बाथ। अच्छा, अब आपने इस ग्लास ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर इस तरह से वर्टिकली प्लेस करना है कि वो वाटर बाथ के अंदर 7 cm बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर हो, लेकिन वो वाटर बाथ के सर्फेस को नीचे बॉटम को टच ना करे ये वाली ग्लास ट्यूब। इंट्रोड्यूस अ सपोजिटरी टिप फर्स्ट इन टू द ट्यूब फॉलोड बाई द रॉड इन टू द ग्लास ट्यूब अंटिल द मेटल नीडल टचेज द फ्लैट एंड ऑफ द सपोजिटरीज।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 10 ml इसके अंदर वाटर डाल दिया था, फिर आपने इसको वाटर बाथ में प्लेस कर दिया। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपने सुपोजिटरी को डालना है, और इस तरह से डालना है कि उसकी जो टिप है ना वो पहले अंदर जाए, ठीक है। टिप नीचे की बॉटम वाली साइड पे होनी चाहिए, और जो फ्लैट एंड है ना वो ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। सुपोजिटरी डालने के बाद आपने ये रॉड इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। रॉड डालेंगे आप, इसको कवर को जो है ना प्लेस कर देंगे। अब ये जो रॉड है ना, ये नीचे की तरफ जब जब इसको टेम्परेचर मिलेगा ना, बॉडी टेम्परेचर 37, हमने जब इमर्जन फ्लूइड 36 और 37 रखा है तो ऑफकोर्स यही बॉडी टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर पे इस सपोजिटरी को जो है ना मेल्ट होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। अब जब ये सपोजिटरी डिसइंटीग्रेट होगी तो हमारी ये जो रॉड है ना ये नीचे की तरफ आती जाएगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी तो हमारी जो रिंग है ना वो भी नीचे की तरफ आएगी। जब ये रिंग इस कवर को टच करेगी फिर इस पॉइंट पर हमें पता चलेगा कि दिस इज द डिसइंटीग्रेशन टाइप ऑफ द सुपोजिटरी, क्योंकि जब ये इसको टच करेगी तभी हमारा जो ये रॉड है ना, इसके जो नीडल है नीचे वाली, ये वाली नीचे बॉटम को टच करेगी। इंट्रोड्यूस द सुपोजिटरी टिप फर्स्ट इनटू द ट्यूब फॉलोड बाय द रॉड इनटू द ग्लास ट्यूब अंटिल द मेटल नीडल टचेस द फ्लैट एंड ऑफ द सुपोजिटरी, ठीक है। आप उसको जो है ना नीचे रॉड को जो है ना प्लेस करोगे, और तब तक इसको जो है ना ये मेल्ट होती रहेगी जब तक ये जो मेटल नीडल है वो नीचे जो है ना फ्लैट बॉटम को टच ना करे, ग्लास रॉड की, ग्लास ट्यूब की। पुट द कवर ऑन द ट्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये गई कि यहाँ पे जब आप इसको, अभी आपका ये सपोजिटरी जो है ना मेल्ट नहीं हुई, मेल्ट होने से पहले जो है ना आपने इसको ऊपर वाले रॉड को उस पॉइंट तक नीचे लेके आना है कि ये जो नीडल है ना आपकी, ये जो है ना फ्लैट एंड ऑफ द सपोजिटरी को टच करे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसको टच कर रही है, वहां तक आपने इसको प्लेस कर देना है। पुट द कवर ऑन द ट्यूब, आपने ट्यूब के ऊपर कवर प्लेस कर देना है। नोट द टाइम विच इलैप्सेस अंटिल द रॉड सिंक्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड द मार्क रिंग रीचेस द अपर लेवल ऑफ द प्लास्टिक कवर, ठीक है। आपने उसको कवर, ये आपका कवर है, इसको कवर कर देना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है कि किस टाइम तक ये डिसइंटीग्रेट होगी। जब ये डिसइंटीग्रेट होगी ये जो आपका रॉड है नीचे आता जाएगा, जब रॉड का एडजस्टेबल रिंग जो है ना ये इस कवर को टच करेगी तो ये आपके पास हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन टाइम। इस टाइम को आपने नोट करना है, ईच ऑफ थ्री सपोजिटरी शुड मेल्ट विद इन 30 मिनट्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ, ठीक है। आपके पास जनरल लिमिट यही है कि आपकी सुपोजिटरी, तीनों सुपोजिटरी जो है ना 30 मिनट के अंदर जो है ना डिसइंटीग्रेट कर जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड लिमिट है इंडिविजुअल मोनोग्राफ में तो फिर वो स्पेशल केसेस में हो सकती है, लेकिन जनरल जो सुपोजिटरीज का डीटी टाइम है वो है 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूसी टेस्ट फॉर सुपोजिटरीज पार्ट 1। इसका जो पार्ट 2 है फिर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी।